हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। फ्रेंच डिफेंस के ट्रैप आज मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंच डिफेंस जो ओल्ड ट्रैप है वो है e4, e6, d4, d5 एडवांस वेरिएशन में है। यहाँ पे वाइट e5 खेलता है। फ्रेंच डिफेंस में आप चार तरीके से गेम खेल सकते हो, जिसमें बिनावर, NC3, ND2 और एक्सचेंज वेरिएशन और e5 एडवांस। e5 में ये ट्रैप बहुत ही फेमस है। c5, नाइट f3, qb6, c3, इसमें मूव ऑर्डर बदल सकते हैं। c3 पहले कर सकते हैं, बाद में नाइट f3, लेकिन वेरिएशन तो वही आएगा। ब्लैक खेलेगा नाइट c6, बिशप d3। यहाँ पे ब्लैक को लगता है कि ये पॉन उसे फ्री में मिल रहा है, हमने जानबूझ के ये पॉन का एक सपोर्ट कम कर दिया है बिशप को बीच में लाके। तो हो सकता है ब्लैक पॉन टेक्स पॉन, सी टेक्स, देन नाइट टेक्स पॉन, और यहाँ पे ब्लैक ट्रैप में आ गया है। नाइट टेक्स f3 के बाद आफ्टर क्वीन d4 देन बिशप डिस्कवर चेक, और आपको यहाँ पे ब्लैक की क्वीन मिल रही है। तो दोस्तों ये है ओल्ड ट्रैप, ओल्ड वेरिएशन, बहुत ही पुरानी ट्रैप है, बहुत लोगों को पता भी होगा। यहाँ पे हम मूव थोड़े चेंज करते हैं, जैसे कि qb6 के बजाय ब्लैक को ये ट्रैप के बारे में पता है तो बिशप d7 खेलेगा, ताकि आप डिस्कवर में चेक देके उसकी क्वीन या पीस नहीं मार सको। bd7 के बाद यहां रिप्लाई होगा बिशप d3, नाइट c6, पॉन के ऊपर प्रेशर, नाइट g5, ये एक ब्रिलियंट मौका है यहाँ पे अटैक करने का। नाइट g5 के बाद h6, ये बहुत ही गलती वाली मूव है, मिस्टेक है। यहाँ पे क्वीन h5, नेक्स्ट थ्रेट है क्वीन इनटू f7, g6 इज अ बिग ब्लंडर। बिशप टेक्स g6, एफ टेक्स g6, देन क्वीन टेक्स g6 चेक एंड क्वीन f7 चेकमेट। बहुत ही छोटी सी ट्रैप है दोस्तों, हालांकि बहुत सारे लोग ये फ्रेंच डिफेंस के बारे में जानते हैं तो जल्दी कोई ट्रैप में फंसेगा नहीं, लेकिन न्यू प्लेयर के सामने ये ट्रैप आप यूज कर सकते हो व्हाइट से अगेंस्ट ट्रम्पोस्की अटैक। अब मैं आपको ट्रम्पोस्की अटैक के सामने एक नई ट्रैप बताता हूं दोस्तों। ट्रम्पोस्की अटैक जो ब्लैक से खेली जाती है ट्रैप, तो ध्यान रखिए d4, d5, बिशप g5, h6, बिशप h4, c5, d takes c5, क्वीन a5 चेक, नाइट c3, e6, e4, d takes e4, देन b4, ये एक सेक्रीफाइस मूव है। आफ्टर क्वीन b4 सिंपल थ्रेट है क्वीन चेकमेट की। तो यहां पे फोर्स मूव होगी ब्लैक के लिए क्वीन c7, व्हाइट खेलेगा नाइट b5, क्वीन d7, यहां पे क्वीन टेक्स d7, यहां बिशप d7 पॉसिबल नहीं है, नाइट c7 और व्हाइट विन फॉर्क से, तो किंग d7 फोर्स मूव है। लॉन्ग कैसल और डायरेक्ट चेक, किंग c6 ओनली होप है, उसके बाद नाइट d6। अगर ये डेंजर मूव के बारे में ब्लैक को पता है तो बिशप टेक्स d6 नहीं करेगा, लेकिन अगर बिशप टेक्स d6 कर लिया तो फिर रुक टेक्स d6 चेक, देन फोर्स मूव किंग c7 एंड बिशप d8 चेकमेट। वेरिएशन दूसरा देखते हैं दोस्तों, इसमें आप फिर से देख लीजिए।
d4 d5 बिशप g5, बहुत सारे लोग ये लाइन खेलते हैं, h6 देन c5 चेक। ये जो मूव्स थे सारी वाइट के लिए थी दोस्तों, ये सारे फोर्स मूव हैं। और यहां पे हालांकि ये बिशप टेक्स d6 करना भी जरूरी है क्योंकि नाइट f7 पे थ्रेट भी दे रहा है और ये भी बहुत डेंजर थ्रेट है आपके लिए। तो बिशप d6 और ये पॉसिबल मूव सारे। दूसरा वेरिएशन देखते हैं, फिफ्थ मूव में g5। h6 देन c5 dc5 और यहां पे पहले g5, ये एक नया वेरिएशन है। बिशप g3 बिशप g7 यहां पे अटैक b2 पे है, तो फोर्स ऑप्शन है c3 क्योंकि नाइट c3 में बिशप टेक c3 और पॉन ट्रिपल हो जाएंगे आपके एक ही लाइन में, तो c3 व्हाइट के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहां पे ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट a6 और ये c5 पे प्रेशर है। नाइट a6 के बाद व्हाइट को ये पॉन देना पड़ेगा और e3। अब यहां पे e3 ये भी जरूरी मूव है क्योंकि ये आप देख सकते हो कि b4 पॉसिबल नहीं है, b4 में सीधा ही नाइट टेक्स b4 बिकॉज c3 पॉन पेन है। तो यहां पे e3 इज बेस्ट मूव, नाइट टेक्स c5, क्वीन c2, ब्लैक खेलेगा नाइट f6 जहां पे व्हाइट रिप्लाई देगा f3। f3 इसलिए कि नाइट e4 आता है बहुत डेंजरस जगह पे, तो f3 उसे स्टॉप करने के लिए आफ्टर बिशप d7 a4 ट्राई करेगा कि बिशप b5 करके एक्सचेंज ऑफर। यहां पे ब्लैक क्वीन c8, अब ब्लैक को एक और यहां पे थ्रेट देनी है बिशप f5 की, तो इसे रोकने के लिए क्या कर सकता है, बिशप b5 और यहां पे सिंपल कैसल। आफ्टर बिशप टेक्स d7 एंड c d7, ये एक बहुत ही बेहतरीन मूव है। सी वाला नाइट वापस ले लो, व्हाइट खेलेगा नाइट e2 और यहां e5 नाइट d2 आर e8, सेंटर में किंग है तो व्हाइट को ब्लैक को उसका एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। ब्लैक व्हाइट करेगा कैसल और यहां पे क्वीन c5, ब्रिलियंट मूव, फोर्स मूव है बिशप f2 और यहां पे सबसे बेस्ट ऑप्शन e4, ये पॉन को पुश होने से स्टॉप करना है और सेंटर पूरे अपने हाथ में जो क्वीन की लाइन है उसे ब्लॉक कर दे। e4 के बाद नाइट b3 काउंटर अटैक, क्वीन c8, उसके बाद rad1 वीकनेस पे अटैक है और यहां पे ब्लैक रिप्लाई देगा नाइट e5। अब नाइट के लिए बेस्ट जगह d3, तो नाइट e5 के रिप्लाई में व्हाइट खेलेगा बिशप g5, नाइट c4, अब फिर से यहां पे e3 पे प्रेशर, तो नाइट c4 के रिप्लाई में क्वीन c1, यहां पे e टेक्स f3 एंड ब्लैक विल विन द गेम बिकॉज ऑफ रुक टेक्स f3 पॉसिबल नहीं है। रुक टेक्स f3 में g4 आता है बहुत डेंजर और उसके बाद नाइट d3, तो ये ब्रिलियंट अटैकिंग लाइन है ब्लैक की ओर से। फिर से देख लीजिए, d4 d5 बिशप g5 h6 बिशप h4 c5
ध्यान रखिए C5 के बाद ही G5 करना है, चेक नहीं देना है, ये एक बैड मूव है। यहाँ पे आपको G5 वाला वेरिएशन चूज करना है, G5 बिशप G3 बिशप G2 G5 टेम्पो के साथ, और उसमें उसके बाद आपका बिशप डेवलप होता है। C3 ये फोर्स मूव है, सारे मूव मैंने फोर्स ही बताए यहाँ पे। E3 के बाद यहाँ पे E4 ये बैड मूव है, तो E3 ही करेगा व्हाइट। नाइट टेक C4, आपको पॉन जो सेक्रीफाइस किया है वापस मिल रहा है। क्वीन सी टू इसलिए कि बिशप, ध्यान रखिए क्वीन सी टू क्यों पहले आता है कि बिशप F5 आने से पहले रोक देता है, कोई भी प्लेयर स्क्वायर कंट्रोल जल्दी करता है। तो नाइट F6 उसके बाद F3 इसलिए कि नाइट E4 भी बहुत डेंजर आ रहा है, और अपनी ये डार्क स्क्वायर बिशप को सेफली रिमूव करने के लिए जगह भी होती है। बिशप D7 A4 एक नॉर्मल मूव है रुक और नाइट को डेवलप करने के लिए। यहाँ पे क्वीन C8 बिशप एक्सचेंज, लेकिन हमें नहीं करना है, हमें कैसल करना है। बिशप टेक्स देन नाइट टेक्स सी वाला नाइट, उसके बाद नाइट E2, आपको E4 सेंटर कंट्रोल हो जाता है। नाइट D2 में RE8 होके फोर्सफुली व्हाइट को कैसलिंग करवाते हैं हम, क्योंकि रुक E8 और किंग सेंटर में बहुत डेंजर होगा व्हाइट के लिए, तो कैसलिंग जरूरी है। उसके बाद क्वीन C5 थ्रेट देना है E3 पे, बिशप E2 और यहाँ पे पॉन पुश करके बिशप को ब्लॉक कर देना है। आफ्टर नाइट B3 क्वीन C8 अगेन, देन रुक D1 और यहाँ पे नाइट E5 बिशप G3 और यहाँ पे नाइट C4। प्लानिंग था हमारा नाइट D3 का, लेकिन नाइट D3 से ज्यादा कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो नाइट C4 इज बेस्ट ऑप्शन। क्वीन C1 और यहाँ पे विनिंग मूव है पॉन टेक्स पॉन आफ्टर रुक टेक्स पॉन G4 और यहाँ से ब्लैक टोटली विनिंग पोजिशन में। तो दोस्तों ये थी बुडापेस्ट। हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा ट्रम्पोस्की अटैक के बारे में, हमने देख लिया, अब हम देखेंगे बुडापेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा हाईएस्ट चेस ट्रैप्स, बहुत ही ज्यादा ट्रैप्स है बुडापेस्ट में, तो उसके सारे वेरिएशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।